गुड आफ्टरनून एवरी वन पिछले एपिसोड में मैंने इंटीग्रल कैलकुलस के फार्मूले बताए और उसके अप्लीकेशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स कराए फिर भी अभी बहुत कुछ बताना बाकी है बच्चों अभी इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीट नहीं हो पाया है और आज मैं इसमें बहुत अच्छे अच्छे अप्लीकेशंस नमेकल्स जो फिजिक्स में इस्तेमाल होते हैं वो मैं कराने जा रहा हूँ आई होप आप इंजॉय करोगे आप सीरियस रहना और ध्यान से सुनना और आपको अच्छा लगेगा सो so, देखिए फिर शुरू करते हैं बच्चों आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रल्स के जो बेसिक्स हैं वो मैं आपको पिछले एपिसोड में पढ़ाया आज मैं डेफिनेट इंटीग्रल का मीनिंग बताने जा रहा हूँ तो डेफिनेट इंटीग्रल का मीनिंग होता है बच्चों जब किसी इंटीग्रल में लिमिट लगा दी जाती है जैसे कोई इंटीग्रल है इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स जब इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई कर दी जाती है इस पूरे एक्सप्रेशन को कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल सपोज इस इंटीग्रल को सॉल्व करने पर एक नया फंक्शन आता है कैपिटल इफेक्ट आई मीन कोई नया फॉर्मूला मिलता है लोअर लिमिट को राइट बॉटम कॉर्नर पे लिखते हैं अपर लिमिट को राइट टॉप कॉर्नर पे लिखते हैं और इसको सॉल्व करने का टेक्निक होता है पहले एक्स की जगह पे अपर लिमिट पोर्ट करते हैं आई मीन फंक्शन ऑफ बी देन पुट नेगेटिव फिर एक्स की जगह लो लोअर लिमिट पुट करते हैं देखते हैं फंक्शन ऑफ ए और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है तो जब भी किसी इंटीग्रल में आप लिमिट लगाते हो तो उसको डेफिनेट इंटीग्रल बोला जाता है और ए को कहते हैं लोअर लिमिट और बी को कहते हैं अपर लिमिट तो प्यारे बच्चों हम लोग इसके कुछ अप्लीकेशंस देखेंगे जैसे है एग्जाम्पल यूवेल वेट इंटीग्रल वन अपन वन प्लस थ्री एक्स डी एक्स लिमिट जीरो टू टू इसको सॉल्व करना है अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन देखो बच्चों में अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ फिजिकल मैनबेड वॉल टू से अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का इसमें टेक्निक ये होगा मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन लगाया गया है कुछ मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर रखा है अगर इस पूरी को जेड माना जाए तो इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो डीजेट की वैल्यू आएगी इस पूरी को जेड मान लिया जाए तो डीजेट की वैल्यू आएगी थ्री इंटू डी एक्स और डी एक्स की वैल्यू आएगी डीजेट बाई थ्री तो डी एक्स को डीजेट बाई थ्री लिख दिया जाएगा और इसको जेड लिख दिया जाएगा फिर जो थ्री कांस्टेंट है वो बाहर आएगा और ये डिजेट बाई जेट बचेगा तो उसका सोलूशन आएगा log जेड ऐसा पढ़ चुके हो फिर लोहा लिमिट अपर लिमिट यहाँ पे लगा दो बच्चों मेथड ये होता है कि ये जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो फिर की जगह पे अपर लिमिट रखो देखो की जगह पे अपर लिमिट रख दिया फिर माइनस लगाओ फिर की जगह पर लोहा लिमिट रखो देखो यहाँ पे रख दिया अब इसको सिंप्लीफाई करो यह आएगा लॉक सेवन और यहाँ आएगा माइनस लॉक वन आप पहले से जानते हो कि लॉक वन की वैल्यू ज़ीरो होती है यह आएगा वन बाई थ्री लॉक सेवन दैट इज़ वन बाय थ्री लॉक सेवन यह सोल्यूशन होगा बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ फार्मूले ऑफ एक्सपेंसेस फॉर सम क्वांटिटीज़ ये आप जेब्रा में मैथ में डिटेल में पढ़ोगे यहाँ हम लोग थोड़ा समराइज फॉर्म पढ़ेंगे तो ये पार्ट है इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन होता है वो एक इनफानेट सीरीज होती है उसको डिनोट करते हैं बाई पावर एक्स वो होता है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इनफन आइटम की सीरीज होगी इसमें कहा गया कि एक्स इज एनी रियल नंबर विच लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है बच्चों बी पार्ट है इसका लॉगरिथमिक एक्सपेंशन ये भी लॉग सीरीज होता है इनफन टर्म्स इसके भी होते हैं सो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स टू देश जब इस सीरीज को एक्सपेंड करते हो तो आता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यू बाई थ्री माइनस एक्स पावर बाई फोर उसके बाद आता है फिर प्लस एक्स पावर फाइव बाई फाइव बच्चों जितना यहाँ पे पावर आता है उतना ही डिनमिनेटर में डिजिट लिखी जाती है और इसको पहले शुरुआत प्लस होगी फिर माइनस होगा फिर प्लस होगा फिर माइनस होगा अल्टरनेट साइन चेंज होगा इसका बेस स्मॉल ई होता है और एक्स का जो डोमेन होता है एक्स लाइज बिटवीन माइनस वन टू तो प्लस वन लेकिन प्यारे बच्चों ये एग्जैक्टली माइनस वन नहीं होगा इसलिए आप इन इक्वालिटी लिखा हुआ है माइनस वन शुड बी स्ट्रिक्टली लेस दैन एक्स बट एक्स मे बी लेस आर इक्वल टू वन एक्स वन के बराबर तो हो सकता है लेकिन एक्स माइनस वन के बराबर नहीं होगा और एक्स की वैल्यू इन्हीं दोनों के बीच में हुआ करेगी तभी तक ये सीरीज वैलिड मानी जाएगी। इसका सी पार्ट है थ्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन थीटा इज इन रेडियंस साइन थीटा भी एक इन्फाइनाइट सीरीज होती है एक्सपेंशन कुछ ऐसा होगा बच्चों थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस थीटा पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल माइनस थीटा पावर सिक्स अपॉन सिक्स फैक्टोरियल एंड बच्चों जितना यहाँ पे पावर होता है उतना ही नीचे फैक्टोरियल होता है और इस तरह से ये इंफान टर्म की सीरीज बन जाती है साइन इसमें अल्टरनेट चेंज होगा पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा फिर प्लस होगा फिर माइनस होगा एंड ऑन so थीटा का डोमेन होता है थीटा इन रेडियंस, इट मे हैव एनी रियल वैल्यू बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इसके बाद होता है बच्चों कॉस थीटा कौस थीटा सीरीज की शुरुआत वन से होती है और थीटा पे सारे जो एक्सपोनेंट होते हैं आई मीन पावर वो इवेंट पावर होते हैं छोट बी वन माइनस थीटा स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस थीटा पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल माइनस थीटा पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आप देख सकते हो कि यहाँ भी जो साइन चेंज हो रहा है वो साइन चेंज होता है जितना पावर होता है उतना ही फैक्टोरियल होता है और ये सारे पावर इवेन नंबर होते हैं जबकि यहाँ पे सारे पावर ऑड नंबर थे थीटा पावर वन थीटा पावर थ्री थीटा पावर फाइव थीटा पावर सेवन थीटा पावर नाइन प्यारे बच्चों यहाँ पे सभी ऑड नंबर ऑड इंटीजर होते हैं यहाँ पे इवन इंटीजर होते हैं वन को थीटा पावर ज़ीरो लिख सकते हो थीटा पावर जीरो अपॉन जीरो फैक्टोरियल फिर ये टू फिर ये फोर फिर ये सिक्स ऐसे होता है और यहाँ पे थीटा पे सारे ऑर्ड पावर होते हैं और इंटीजर इसके बाद होता है टैन थीटा इसके बाद होता है टैन थीटा इसको डिराइव करने का एक बहुत लंबा प्रोसीजर है तो साइन थीटा के एक्सप्रेशन को कास्ट थीटा के पूरे एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं तो बहुत ही लेंदी मेथड से ये तीन टर्म इसके डिराइव करे जाते हैं चौथा टर्म डिराइव करना थोड़ा लेंदी हो जाता है तीन ही टर्म से काम चलाते हैं बट प्रैक्टिकली ये भी इनफाइनाइट सीरीज होती है इसमें कोई सीक्वेंस टाइप का नहीं होता बच्चों जैसे ऊपर था यहाँ टू है तो यहाँ टू होगा यहाँ फोर है तो यहाँ फोर होगा यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता तो टें थीटा को केवल तीन टर्म लर्न करके काम चला लेते हैं पहला होता है थीटा दूसरा होगा थीटा क्यू बाई थ्री मांडीट यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं होता तीसरा टर्म होगा टू बाई फिफ्टीन थीटा पॉर फाइव एंड स्वान डॉट डॉट इन फनाई टर्म्स की यह भी सीरीज होगी यहाँ थीटा का जो डोमेन है वो बहुत छोटा सा है थीटा मस्ट लाई बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू बच्चों ये इक्वल नहीं होता स्ट्रिक्टली लेस होता है यहाँ भी स्ट्रिक्टली लेस होता है यही थीटा का डोमेन है और इसी डोमेन में ये सीरीज डिफाइंड है कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स देख लो सेवन पॉइंट सेवन द फॉलोइंग आई इक्वल्स इंटीग्रल फोर एक्सूल पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो इसमें उस क्वेश्चन को मैंने रिपीट किया इसको लिख डाला इक्वेशन नंबर वन तुम बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ मेथड ऑफ सब्सटीशन वर्क करेगा। अगर एक्स स्क्वायर को जेड मान लिया जाए तो डिजेट बाय डी एक्स की वैल्यू ऐसे आएगी टू एक्स फिर डी एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाए डी एक्स को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो और टू को इधर लाके डिवाइड कर दो नेक्स्ट डी एक्स आता है डिजेड बाई टू सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन वन एक्स इंटू डी एक्स को लिख डालो डी जेड बाई टू और इसको लिख डालो जेड फोर तो को रहने दो होगा ई पावर जेड इंटू डी जेड बाई टू फोर बाई टू एज टू टू को बाहर निकालो अंदर बचेगा ई पावर जेड डी जेड इसका इंटीग्रल तुम रटे हो किसका इंटीग्रल भी ई पावर जेड ही होता है इंटीग्रल ई पावर जेड लिख डालो जेट को वापस रिसब्स्टिट्यूट कर डालो ये तुम्हारा सोल्यूशन हो गया वन मोर क्वेश्चन आई इक्वल्स इंटीग्रेल एक्स साइन बी एक्स स्क्वायर डी एक्स सो वी हैव टू दिस से नंबर है बच्चों यहां भी सब्स्टिट्यूशन काम करेगा एक्स स्क्वायर को जेड मान लो बहुत साइड को डिफ्रेंस ईट करो इसका डिफरेंशियल टू बी एक्स आएगा उससे इसे कंपेयर करो एक्स को डे एक्स से मल्टीप्लाई करो टू बी को इधर ला के डिवाइड करो एक्स डेक्स की वैल्यू आती है डिजेड अपन टू बी अब ये सारी क्वांटिटी यहाँ पे पुट करो एक्स डी एक्स को पुट करो और यहाँ पर जेड सब्सटीट करो पाई की वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगी इंटीग्रल साइन जेड इंटू डी जेड अपॉन टू बी बच्चों टू बी है कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकालो अंदर बचेगा इंटीग्रल साइन जेड डिजेट इसका सॉल्यूशन तुम्हें रटा हुआ है माइनस कॉस जेड होता है जेड की वैल्यू वापस ला के पुट कर डालो सोल्यूशन हो गया वन मोर क्वेश्चन बच्चों इस इंटीग्रल में तीन अलग अलग टर्म है टॉप तो ने थ्योरी ये पढ़ी पिछले एपिसोड में कि जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो प्लस और माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ये डी एक्स इन तीनों में मल्टीप्लाई हो जाता है तो डीएक्स को मल्टीप्लाई कर डालो फिर इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर डालो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा देखो बच्चों मैंने dx को तीनों में मल्टीप्लाई कर डाला इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर डाला अब ये तो बड़ा इजी है डायरेक्ट हो जाएगा टू को बाहर निकाल लो और एक्स स्क्वायर डी की जगह पे एक्स क्यू बाय थ्री आपको याद होगा कि एक्स पावर इन डी एक्स का इंटीग्रल एक्स पॉर इन प्लस वन अपॉन प्लस वन पढ़े हो बट कंडीशन था कि माइनस वन नहीं होना चाहिए तो उस फार्मूले को लगाने पर ही इतना आता है वन बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रल पढ़े लॉग एक्स टू तो सी इसमें इंटरनल कांस्टेंट को कॉपी पेस्ट करके डिवाइड किया जाता है फिर साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स टाइप का आता है तो उसको लिख दिया जाएगा मगर फोर को मेंटेन किया जाता है और डिनोमिनेटर में उसको कॉपी पेस्ट किया जाता है ये मानस बना रहेगा ये मानस मानस मिल के प्लस हो जाएगा ये ती टोटल तीन टर्म ऐसे आ गए इसके बाद इसको देखो यू द फॉलोइंग बच्चों इसमें लिमिट लगाए मतलब इसको आप डेफिनेट इंटीग्रल करोगे तो पहले इसका सॉल्यूशन फॉर्मूले से निकालो। कास पाइक्स डी एक्स का इंटीग्रल होगा जैसे कॉस एक्स का साइन एक्स होता है बच्चों वो फॉर्मेट मेंटेन करो इंटरनल कांस्टेंट को डिनोमिनेटर में कॉपी पेस्ट करो फिर यहाँ पे काउंटर पे लिमिट लगा दो मेथड पढ़ाया हूँ कि एक्स की जगह पे पहले अप लिमिट लिखी जाती है ये हो जाएगा कॉस पाइन टू वन बाई टू देखो इसको रिपीट करो फिर मानस लगा दो फिर तो एक्स की जगह पे लोहा लिमिट लोहा लिमिट रखोगे तो साइन पाई बाई थ्री आएगा सो साइन पाई बाई थ्री या पान पाई अब तुम पाई को दोनों जगह से कॉमन ले लो साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू रूट थ्री बाई टू टू को मल्टीप्लाई करो एलसीएम निकालो यहाँ मल्टीप्लाई करो इंटीग्रल का सॉल्यूशन इतना आएगा तो आप देख रहे हो कि इसमें हम लोग मेथड ऑफ सब्सटीशन लगाए जा रहे हैं कुछ तो आसानी से हो गया कुछ में सब्जीट्यूशन लग गया फिजिक्स में क्या होता है एक्स वाई सिंबल चेंज हो जाता है जैसे यहाँ पे जो है वो टी हो गया है इसमें दो टर्म है इंटू डी टी लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट वन जैसा मैं पहले सिखाया हूं कि डी टी मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रल दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तुम ऐसा नहीं भी कर सकती हो तुम बिना इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट करावे इंटीग्रेट कर सकते हो डायरेक्ट कैसे करोगे टी पावर फोर डी टी सिर्फ इमेजिन कर लो। टी पावर फोर का इंटीग्रल टी पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस लगा के स्क्वायर क्वाडिटी का इंटीग्रल लिख तो सो स्क्वायर क्वाडिटी का इंटीग्रल आता है टी क्यू बाई थ्री फिर लिमिट लगा दो पहले अपा लिमिट वन टी की जगह पे यहाँ पे वन टी की जगह पे यहाँ पे वन देखो फिर माइनस फिर ब्रैकेट फिर टी की जगह पे जीरो टी की जगह पे दोनों जगह जीरो लगा डालू अब इसको सॉल्व करो वन बाई फाइव प्लस वन बाई थ्री माइनस जीरो एट फिफ्टीन फॉलोइंगल एक्स इन टू पावर प्यारे बच्चों ध्यान से देखो एक्स को सब्सटीट्यूट करने से कुछ नहीं होगा कोई फायदा नहीं होगा सब्सटीट्यूशन से यहाँ कुछ नहीं होने वाला है अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो फायदा जरूर होता है तो एक्स को गायब करने से काम बनेगा आइडिया दे चुका हूँ कि इसको गैप करने के लिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का मेथड लेना होगा वही काम करता हूँ वी नो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इंटीग्रल यू वी डी एक्स यू इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल विद इन ब्रैकेट डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन डी एक्स सवाल ये है बच्चों के इसमें यू किस को माना जाए जिसको डिफ्रेंशिएट करने से गायब हो सके उसको यू मानना चाहिए एक्स को यू मान लो और ई पॉर एक्स को वी मान लो फिर तुम यहाँ पर इस फार्मूले में उनकी वैल्यूज पुट कर डालू देखो उनके वैल्यूज मैंने पुट किया है दिस इज यू दिस वन इज भी देन डी डी एक्स ऑफ एक्स देन इंटीग्रल ई पावर एक्स डीएक्स ब्रैक इज क्लोज अगेन डी एक्स जिसका इंटीग्रल आपको लन है इसका इंटीग्रल ही पावर एक्स डायरेक्ट आएगा यहाँ डीएक्स बायक्स की वैल्यू वन आएगी ई पावर एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स आएगा ब्रैकेट के बाहर फिर से डी एक्स लगा दो तुम चाहो तो यहाँ से वन को हटा दो बच्चों यहाँ बचेगा क्या इंटीग्रल ई पावर एक्स डी एक्स बचेगा उसका सॉल्यूशन भी ई पावर एक्स ही होता है तो नेक्स्ट स्टेप में ई पावर एक्स लिख डालो। फर्स्ट हमको रिपीट कर डालो अब ई पावर एक्स को कॉमन ले लो ब्रैकेट में आता सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन में आपने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इस्तेमाल किया कोई और दू देखो इंटीग्रल थीटा साइन डी थीटा डी थीटा इसको सॉल्व करना है अब वो ध्यान से देखो यहां भी सब्स्टिट्यूट करने से कोई फायदा नहीं हो लेकिन अगर यहाँ थीटा स्क्वायर होता तो इसको जेड मानने से फ़ायदा हो जाता है <coughs> थीटा पावर वन है इसलिए इस थीटा को अगर यहाँ से गायब कर दिया जाए आमीन एलिमिनेट कर दिया जाए तो ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा इसको एलिमिनेट करने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे और इसको सेकंड फंक्शन मानोगे आमिन इसको वी मानोगे और उसको यू मानोगे अगर ऐसा करते हो तो ये फार्मूला फिर से इस्तेमाल करोगी थीटा को यू मानने जा रहे हो साइन बी थीटा को वी मानने जा रहे हो फिर अपने इस फार्मूले में उनकी वैल्यू पुट करने जा रहे हो देखो ये यू वी डी थीटा ऑफ यू इंटीग्रल ऑफ बी एंड इंटू डी थीटा इसका सॉल्यूशन आपको लर्न है होता माइनस कॉस बी थीटा पान बी लिख डालो इसका सॉल्यूशन वन हो गया छोड़ दो इसका भी फार्मूला लर्न है लिख डालो इंटू डी थीटा करो माइनस वन ऑफ पान बी को इंटीग्रल के बाहर निकालो यहाँ प्लस वन ऑफ पान बी होगा फर्स्ट टर्म को रिपीट कर डालू कॉस्ट बी थीटा डी थीटा का इंटीग्रल पहले से पता है साइन बी थीटा अपॉन बी बी को बी में मल्टीप्लाई करो ये बी स्क्वायर होगा इस तरह से दो टर्म आंसर में आएंगी तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के आपने इसको कर लिया वन मोर क्वेश्चन ट द फॉलोइंगल ऑफ लॉग एक्स डी एक्स टू देश बच्चों यहाँ फंक्शन तो एक ही है सिर्फ लॉग एक्स एक ही फंक्शन है लेकिन आप इसका कोई फॉर्मूला पहले से पढ़े भी तो नहीं हो तो सवाल यह है कि सिंगल फंक्शन दिख रहा है वो भी एकदम आसान सा तो सब टिट्यूशन काम करेगा या नहीं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स काम करेगा या नहीं या आपको डिस्कस करना होगा सिंगल फंक्शन में सब काम करता नहीं लेकिन अगर एक ट्रिक सोची जाए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स काम कर सकता है कैसे करेगा बताता हूँ देखो लॉग एक्स का जो कॉब्सेंट है उसको यहाँ पे वन लिख डालो और इसको मेंटेन रखो बच्चों इसका इंटीग्रल नहीं पता इसको आप सेकंड फंक्शन नहीं मान सकते इस बार इसको मैं फर्स्ट फंक्शन लेने जा रहा हूँ और वन को सेकंड फंक्शन लेने जा रहा हूँ देखो वन एक कांस्टेंट है मगर यहाँ ट्रिक है कि इसको वी मानोगे और इसको यू मानोगे क्या फायदा होगा देखो पहले अपने फार्मूले को रिपीट कर डालो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही फार्मूला होता है इसको यू मानने जा रहे हो और वन को वी मानने जा रहे हो यहां पे उनकी सारी वैल्यूज पुट कर डालो लुक यू इज़ लॉग एक्स एंड वीज वन देखो उनकी वैल्यू रख दिया देखो यू की वैल्यू यहाँ रख दिया वी की वैल्यू यहाँ रख दिया वन इंटू डी एक्स का इंटीग्रल तुम्हें पहले से पता है इसका इंटीग्रल खाली एक्स होगा डी डे ऑफ लॉग एक्स पहले से जानती हो वो वन बाई एक्स होगा वन इंटू डेक्स का इंटीग्रल एक्स होगा ब्रैकेट के बाहर dx को रिपीट करो एक्स को एक्स से कैंसिल करा दू मिलेगा वन इंटू डी एक्स सो so, वन इंटू डी एक्स का इंटीग्रल तुम्हें रटा हुआ है वो एक्स होता है डायरेक्ट लिख दो फर्स्ट टर्म को रिपीट कर डालो, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है चाहो तो कॉमन ले लो, नहीं तो वैसे ही लिख डालो वैसे लिख डाला तो आ गया एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स ये देखो ये सोल्यूशन हो मोर क्वेश्चन यू वेल वेट द फॉलोइंग कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स टू दी बच्चों बहुत ध्यान से देखो किसको सब्सटीट्यूट करने से काम बनेगा कैसे करता हूं देखो जरा लेट टी बी इक्वल टू साइन एक्स then dt by dx equals d dx of sin x that is cos x now doing cross multiplication cos x into dx equals only dt अब ये वैल्यूज तुम इक्वेशन वन में पुट कर डालो साइन एक्स को टी लिख डालो कॉस एक्स डीएक्स को डी टी लिख डालो देखो मैंने किया है इंटीग्रल लॉक टी डी टी कर दिया ऊपर जो फार्मूला डिराइव करा हूँ ये हो गया इंटीग्रल लॉक टी डी टी बच्चों इसका सॉल्यूशन होगा टी लॉक टी माइनस पी अभी आपने ऊपर डेरिवेशन किया है कि यहाँ पे एक्स था यहाँ भी एक्स था आई मीन इंटीग्रल लॉग एक्स डी एक्स था तो उसका डेरिवेशन आपने किया था एक्स लॉक एक्स माइनस एक्स एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स उसी फार्मूले को यूज करते हुए जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ टी लगा हुआ है इसका सोल्यूशन आएगा टी लॉग टी माइनस टी इसमें से टी को ले लो कॉमन आप टी को वापस सब्स्टिट्यूट करो दरअसल आपने साइन एक्स को टी माना था तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ साइन एक्स लिख डालो यहाँ पे लिखो साइन एक्स फिर यहाँ लिखो साइन एक्स ये कुछ ऐसा आएगा और यही आपका सोल्यूशन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन यू वेल द फॉलोइंग आई इक्वल्स ई रेस्ट टू दूस क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर विद इन ब्रैकेट सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डी एक्स बच्चों आप इस ब्रैकेट को बहुत ध्यान से देखो अगर इस पूरे को एक्स में डिफ्रेंशिएट करा जाए तो यही क्वांटिटी मिलेगी आई मीन इसको अगर सब्सटीट्यूट किया जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा करता हूं अच्छा बस तो पूरी क्वांटिटी को जेड मान अब बहुत साइड को डिफ्रेंशिएट करूँ डीजेट बाई डी एक्स इक्वल्स डी डी एक्स ऑफ दिस टोटल इस पर एक्स लगाओ या आएगा सिक्स एक्स स्क्वायर फिर इस पर डीडी एक्स लगाओ या आएगा टू एक्स फिर डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करो डीजेट की वैल्यू इतनी आएगी ऊपर इंटीग्रल में ये दोनों साथ में दिखेगा तीन दोनों को साथ में दिखेगा तो इसको लिख डालो डी जेड और जिसको जेड माने हो इस पर जो पावर था उसको जेड माने हो तो इस पर लगा दो जेड तो एक्चुअल में तुम्हारा इंटीग्रल बचेगा ई पावर जेड डी जेड और इसका सॉल्यूशन आपको रटा है तो इसका सॉल्यूशन होता है ई पावर जेड वापस जेड की वैल्यू ब्रैकेट में पुट कर डालो और ये हो गया सॉल्यूशन सिमिलरली अब हम लोग जब फिजिक्स में एंट्री लेते हैं ये जो एक्स सिंबल होता है आम I इन mean वो फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है जैसे ये क्वेश्चन इंटीग्रल टू वी स्क्वायर प्लस लॉग वी का होल स्क्वायर फोर वी प्लस वन बाई वी इंटू डी वी लोअर लिमिट टू अपर लिमिट फोर सॉल्व करना है बच्चों ये वी वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल किया गया है फिजिक्स में हमारे सारे जो सिंबल हैं वो फिजिकल क्वांटिटी बन जाते हैं। मगर इसको वेरिएबल माना गया है वी फॉर वॉल्यूम में ये पूरा क्वेश्चन क्रिएट हुआ है देखो बहुत ध्यान से देखो डरो मत इस पूरे ब्रैकेट को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं और इसको डिफ्रेंसीट करूं, v के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल आएगा फोर वी इसका डिफरेंशियल आएगा वन बाई वी मुझको ये पूरा का पूरा ब्रैकेट मिल जाएगा इसको डिफ्रेंसीट करने से ये पूरा ब्रैकेट मिल जाएगा इसका मतलब इसको सब्सिट्यूट कर डालूं ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा चलो करता हूँ इस पूरी क्वानिटी को जेड मान लिया फिर बोथ साइड को के रिस्पेक्ट में डिफरेंसीड किया लेफ्ट साइड डिजेड बाय डी वी राइट साइड में डी डी वी लगा दिया इन दोनों को अलग अलग डिफरेंसीड किया जिसका डेरिवेटिव आएगा फोर वी इसका डेरिवेटिव आएगा वन बाई वी फिर डी वी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे इसकी वैल्यू आ गई डी अब इंटीग्रल के अंदर ये जो नजर आ रहा है दिखेगा देखो यहाँ दिखेगा इसको लिख डालो डी और इसको तुमने जेड माना है ये देखो जेड माने हो इसको लिख डालो जेड ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और ये पूरा हो जाएगा डी जेड फिर इंटीग्रेट करो हो गया जेड इज इट बच्चों आपको एक चीज और सिखानी है कि डेफिनेट इंटीग्रल में जब वेरिएबल चेंज होता है तो लिमिट भी चेंज होता है पहले यहां पे वॉल्यूम का लिमिट लिखा हुआ था अब वेरिएबल जेड हो गया तब आपको जेड की लिमिट लिखनी पड़ेगी यहां भी जेड की अपा लिमिट लिखनी पड़ेगी तो करते क्या है वालूम की लोबा लिमिट ध्यान से देखना वालूम की लोअर लिमिट टू यहाँ ला के रखो फिर यहाँ ला के रखो तो वो जेड की लोअर लिमिट बन जाएगी यहाँ टू रखोगे तो ये एट आएगा और ये लॉक टू आएगा तो जेड की लोअर लिमिट क्या बनेगी एट प्लस लॉक टू देखो एट प्लस लॉक टू अब अपर लिमिट निकालो ये कैसे आया होगा वॉल्यूम की अपर इमिट फोर यहाँ रखो फोर फिर यहाँ रखो फोर ये हो गया थर्टी टू ये हो गया लॉक फोर फोर को टू स्क्वायर लिख सकता हूँ बोलो और टू स्क्वायर को टू लॉक टू लिख सकता हूँ मैं चाहूँ तो ये थर्टी टू प्लस टू लॉक टू लिख सकता हूँ आने तो थर्टी टू प्लस लॉक फोर भी लिख सकता हूँ यहाँ से अपल इमिट जेड की आएगी देखो लिखा हो अपर लिमिट जेड की थर्टी टू प्लस लॉक फोर जेड स्क्वायर डिजेट का सोल्यूशन हमें आता है ये होता है जेड क्यूब अपॉन थ्री फिर जेड की लोअर लिमिट फिर जेड की अपर लिमिट बच्चों आप कॉन्सेप्ट पढ़े हो सबसे पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखी जाती है फिर मानस लगा के लोअर लिमिट की वैल्यू रखी जाती है तो जेट की जगह पे लिमिट पोट करो बीच में मानस लगाओ थ्री को कॉमन ले लो अपर लिमिट क्यू मानस लोअर लिमिट क्यू थ्री को ले लो कॉमन तुम चाहो तो इसको थोड़ा और सिम्प्लीफाई कर लेना तुम्हारे लिए छोड़ दिया हो तुम ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला रटे हो उस फार्मूले से इसको ओपन कर लेना इसको भी ओपन कर लेना थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेना कुछ और क्वेश्चन देखो फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स एक्सिस एंड टू ऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल्स माइनस वन एंड एक्स इक्वल्स प्लस वन बच्चों मैंने आपको एरिया बाउंडेड का फॉर्मूला डिराइव करके दिया था विनो द फार्मूला फॉर द बाउंडेड एरिया डरवेशन पिछले एपिसोड में दे चुका हूँ मैं इंटीग्रल वाई डी एक्स लिमिट एक्स वन टू एक्स टू बच्चों वाई की जगह पर आप ये फार्मूला लिख दो एक्स वन लोअर लिमिट माइनस वन एंड एक्स टू अपर लिमिट प्लस वन एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल बोलो एक्स क्यू बाई थ्री वन इंटू डी एक्स का इंटीग्रल बोलो ओनली एक्स इंटीग्रल लिखने के बाद लिमिट यहाँ लगा दो पहले अपर लिमिट पुट करो दोनों जगह पे फिर माइनस लगाओ फिर एक्स की जगह पे माइनस वन लोअर लिमिट पुट करो यहाँ भी माइनस वन यहाँ भी माइनस वन देखो सिंप्लीफाई करो जाएगा वन बाई थ्री प्लस वन नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होगा ये आएगा माइनस वन बाई थ्री फिर यहाँ से आएगा माइनस वन इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो ये दोनों प्लस हो जाएंगे प्लस होने के बाद ये ब्रैकेट डबल हो जाएगा तो टू इंटू वन बाई थ्री प्लस वन ये हो गया फोर बाई थ्री इंटू टू दैट इज एट बाई थ्री और एरिया पूछा है तो स्क्वायर यूनिट में लिखा जाएगा one more question evaluate the following integral 1 by x sin of log of x power 7 by 2 dx देखो यहाँ पे क्या ट्रिक लगेगी देखने में डरावना लग रहा मगर बहुत ईजी है ये यहाँ log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी लॉ की प्रॉपर्टी ये होती है बच्चों कि इस मेन क्वांटिटी पे जो पावर होता है वो लॉ के बाई तरफ चलाता है ऐसा होता है कि सेवन बाई टू तो यहाँ पे बाई तरफ चलाएगा सेवन बाई टू को देखो लेफ्ट साइड में लिख डाला यहाँ खाली लॉग एक्स बचेगा अब तुमको बात समझ में आ रही होगी अगर इस पूरे ब्रैकेट को जेड मान लिया जाए सब्सटीटूशन मेथड लगा दिया जाए तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा इस पूरे ब्रैकेट को मैंने जेड मान लिया फिर बहुत साइड को डिफ्रेंसीट किया सेवन बाई टू बाहर आएगा लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स होगा दैट इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स अब तुम क्या करो डी एक्स को वन में मल्टीप्लाई करो और डी एक्स बाई एक्स की वैल्यू निकालो आएगा टू बाई सेवन इंटू डी जेड अब तुम बहुत ध्यान से देखो यहाँ पर वन बाय एक्स इंटू डी एक्स यहाँ पे दिखता होगा तो उसकी जगह पे आप लिख लोगे टू बाई सेवन डी जेड और इस पूरे को जेड माने हो यहाँ लिख डालोगे साइन ऑफ जेड वही काम मैं करने जा रहा हूँ साइन ऑफ जेड इंटू टू बाई सेवन डी जेड टू बाई सेवन को बाहर निकाल लो साइन जेड डी जेट का सॉल्यूशन तुमको पहले से रटा है होता है माइनस ऑफ कॉस जेट जेट की वैल्यू यहाँ पे वापस ला के रखो जेट की वैल्यू यहाँ पे वापस ला के रखो रख दिया तुम चाहो तो आंसर मैच कराने के लिए सेवन बाई टू को फिर से यहाँ पे ला के पावर बना दो देखो बना दिया टीआई आई का सॉल्यूशन हो गया सिमिलरली, वो जो मैंने आपको बनामियल सीरीज पहले से पढ़ा रखी है उसका यहाँ पे अप्लीकेशन भी मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ तो बच्चों इंटीग्रल कैलकुलस में आज मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए और आपने सीरियसली उसको वॉच भी किया होगा तो जितना इंटीग्रल मैंने आज, आज आपको कराया इतने से मेरे फजेस का काम हो जाएगा मोर देन एनअ है और मैथ्स में आपको मैथ्स टीचर थोड़ा और भी डिटेल में बताएंगे क्योंकि तो मैथ्स बहुत वास्ट होगा लेकिन मेरे फिजिक्स में आपका इतने से काम हो जाएगा तो इस मेरी इस बुक से आप इसको थारो रिवीजन कर लोगे और कुछ इसमें अनसॉल्व क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन बैंक आरकाइव दिया है उसकी तो प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इंटीग्रल पे कमांड हो जाएगा और उसके बाद फिजिक्स में मैं जब भी अप्लाई करूँगा डिफरेंशियल और इंटीग्रल आपको बहुत तेज समझ आएगा लेकिन उसके लिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी फिर आपको डर नहीं लगेगा तो प्यारे बच्चों आज मैंने इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीट किया मैं सोचता हूं कि आपको इसमें फिजिकल मैथमेटिक्स में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है वो वैक्टर अलजेब्रा तो वैक्टरल जेब्रा पे भी सिस्टमेटिक कुछ क्लास ले लेता हूँ क्योंकि फिजिक्स में वैक्टर भी बहुत ज़्यादा यूज होता है तो बच्चों अगले कुछ एपिसोड्स में वैक्टर लेपडॉप लेने वाला हूँ उसको आप सीरियसली वॉच करना और वैक्टर पढ़ने के बाद कॉट रेसिंग पढ़ा चुका हूँ कैलकुलस पढ़ा चुका हूँ फिजिक्स में किसी भी लेवल तक पढ़ाऊँगा कितना भी टफ़ क्वेश्चन कराऊँगा आप बहुत आसानी से कैच करोगे जो नए बच्चे इसके साथ जुड़ेंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले फिजिकल मैथमेटिक्स में जितने हमने एपिसोड ले रखे हैं उस सारे वीडियो को ए टू जेड वॉच करें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें मेरी बुक से उसके बाद मेरी फिजिक्स के बाकी के चैप्टर का वीडियो देखें तो उनको आसानी से समझ में आएगा लेकिन अगर वो फ़िज़िकल मैथमेटिक्स को इग्नोर करेंगे तो उनको मेरे लेक्चर समझ में नहीं आएंगे बहुत परेशानी होने लगेगी सो so, प्यारे बच्चों मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच And bless you. Good night. See you again.